नमस्कार, मैं पंडित अनुराग गुरुजी, बोलिएगा साथ में त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। आज हम बताएंगे त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प की पूजा कैसे होती है, इसका मुहूर्त कौन सा अच्छा होता है, पूजन का कितना खर्चा आता है और आते समय हमें क्या क्या वस्तुएं लेकर के आनी पड़ती है सामग्री। सबसे प्रथम में आते समय आपको 3 वस्तुएं लानी हैं, अपने पूर्वजों का नाम, आपके परिवार में जो गुजर गए हैं, एक पेपर में सबका नाम और गोत्र लिख कर के लाना है। उसके बाद में अपनी जन्म कुंडली नहीं बनी होगी तो पेपर में डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस लिख कर के लाना है। और पूजा में बैठने के लिए वस्त्र लगता है, लेडीज़ के लिए सूट सलवार नहीं तो साड़ी, जेंट्स के लिए धोती गमछा नहीं तो कुर्ता पैजामा लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में मिल जाता है। काल सर्प की पूजा में कितना समय लगता है? काल सर्प पूजा में आपको 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है। जैसे ही आप त्र्यंबकेश्वर आते हैं, पंडित जी आपको लेने के लिए आएंगे। सबसे प्रथम में आपको कुशावर्त कुंड ले जाएंगे, वहाँ पे स्नान करना है। स्नान ध्यान होने के बाद में पंडित जी के आश्रम में जाना है। आश्रम में जाने के बाद में सबसे प्रथम में आपका महादेव का अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद में गणेश पूजन कलश पूजन किया जाएगा, उसके बाद में पुण्यावाचन पूजन, षोडश माँ दुर्गा पूजन और नांदी श्राद्ध पूजन किया जाएगा, जिसे हम पितरों का पूजन कहते हैं। उसके बाद में अष्टदल पूजन, नवग्रह पूजन, देवाधिदेव महादेव जी का पूजन होगा। उसके बाद में आपके पूजा में चांदी के नाग रखे जाएंगे, राहु केतु की प्रतिमा रहेगी, उनका अभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा, पंचोपचार करके होम हवन किया जाएगा और आपके हाथ से चांदी के नाग नागिन विसर्जन किए जाएंगे। ये होती है कालसर्प दोष पूजा की विधि। यदि आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं तो नीचे संपर्क कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं पूजन के लिए। ओम नमः शिवाय जी।